Am I audible to all of you? Am I audible? Yes. Yeah, okay. Yes. Okay, thank you, thank you. So, just one change we will do right now. Okay, give me your attendance. Reach one. Reach one, Ansari. हां अटेंडेंस आई जस्ट वांट अटेंडेंस ओके निकिता निकिता आकांक्षा आकांक्षा आर यू देयर ऋतुजा ओके अश्विनी दर्शना ूघरे आकांक्षा okay. दीपाली दीपाली ओके okay. जयेश yes, yes. जयेश 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 आर यू देर uh, हांडे रश्मि रश्मि हांडे अंकिता स्वप्नाली स्वप्नाली कंबले okay. वैभवी आर्युदेर वैभवी एबसेंट okay. वर्दा ओके okay. गंधाली करिश्मा प्रियंका माड़ी प्रियंका काजल माने सुजाता सुजाता आर्य, यू ओके केतकी यस यस केतकी केतकी आर यू देयर प्रतीक्षा प्रतीक्षा ओके ओके प्रिया पाठक यस अश्लेषा मृणाल मृणाल ओके प्रियंका प्रियंका पवार सरोज सरोज आर यू देर आई थिंक ही इज़ नॉट ओके प्रजापति क्रॉनिक एबसेंटे अदिबा अदिभा गौरी ओके साइली ओके, प्रिया सतपुते अनिकेत अनिकेत, प्रियंका प्रियंका ओके रुमान रुमान इज नॉट नॉडर टुडे ओके प्रसाद ओके, नेक्स्ट इज जिज्ञासा ओके ओके राहुल राहुल कोमल नो ओके निकिता निकिता आर्युदयर ओके ओके विप्लव 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 गौतमी गौतमी आर्युदयर ओके अफरोज अफरोज इज एबसेंट एम आई राइट राम राम इज एबसेंट प्रियंका चौहान प्रियंका नेक्स्ट प्रियंका ओके okay, भाग्यश्री भाग्यश्री ओके okay, सागर 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 कदम सागर कदम लेक्चरला बसून कुठेतरी फिरायला गेला का टेल हिम आय मार्क हिम ॲबसेंट ओके सो सागर इज नॉट मीनल मीनल हाजरा हाजरा ओके राहुल खराड़े ओके विशाखा मुशीर आकांक्षा शीतल परेश 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 आर यू लिसनिंग टू मी इवन परेश सेम जॉइन बट नॉट पेइंग अटेंशन सो टेल हिम मार्क एबसे रश्मि रश्मि ओके अंजली अंजलि ओके अलमस సాహిల్ ఓకే ప్రతీక్ష సాధన సాధన అర్యుదర్ So, Adhana also absent. Okay. Yes. So, let's start with our topic. Yeah. Already all these things, many things we have discussed. It will be just quick revision from my side as far as nutritional public health problem is concerned. Okay. So, nutritional problem in public health which is concerned with endemic fluorosis. Okay.

it is reported from andhra pradesh punjab haryana karnataka kerala tamil nadu even from assam it has been reported okay what can be the various toxic manifestations concerned with fluorosis okay so it may result in dental fluorosis okay where mainly dental enamel is affected it may result in skeletal fluorosis where mainly there is a deposition of fluoride in the bones or one more new form which is seen that is genu valgum okay so three important manifestations you are supposed to mention this is dental fluorosis skeletal fluorosis and genu valgum in dental fluorosis mainly dental enamel is affected okay so where it occurs it occurs when excess of fluoride it is ingested specifically if it is ingested during the years of calcification of tooth okay preferably if it is ingested during first seven years of life ओके दिस इज मेनली कैरेक्टराइज बाय मॉटलिंग ऑफ डेंटल इनामल ओके तो डेंटल इनामल में व्हाट वी कैन सी इज मॉटलिंग ओके यहाँ पे द मोस्ट कॉमन थिंग्स यू आर सपोज टू ऑब्जर्व यू आर सपोज टू ऑब्जर्व अपर जॉ और यू आर सपोज टू ऑब्जर्व दस ओके जो अपर इंसीजर्स है वो मोस्ट कॉमनली दे आर अफेक्टेड ओके दन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप इनामल देखते हो तो देर इज लॉस ऑफ शाइनी अपियरेंस ऑफ डेंटल इनामल और टिथ टिथ का जो शाइन है वो चला जाएगा उसके साथ साथ मॉटलिंग हो जाएगा मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जो टिथ है वो अपर एंसिजर्स है ओके आफ्टर दैट व्हाट वी कैन फाइंड इज चौकी वाइट पैचेस ओके तो टिथ इनामल के ऊपर चौकी वाइट पैचेस आ जाएंगे एंड टू दिस वी आर कॉलिंग एज अर्ली साइन ऑफ डेंटल फ्लूरोसिस तो डेंटल फ्ल्यूरोसिस का जो अर्ली साइन है दैट इज चौकी वाइट पैचेस ऑन डेंटल इनामल लेटर ऑन वॉट हैपन्स दीज वाइट पैचेस द बिकम्स येल्लो और समटाइम्स दे में बिकम ब्राउन और इवन ब्लैक ओके तो इनिशियली जो चौकी वाइट है एडवांस्ड कंडीशन है तो येलो डिस्कलरेशन आपको दिखाई देगा ब्राउन और एंड में इट कैन बी ब्लैक ओके सो ब्राउनिश डिस्कलरेशन यू कैन सी इन सिवियर डेंटल फ्लोरोसिस इन दिस समेज ओके नाउ इन सिवियर केसेस दर इज वन मोर मैनिफेस्टेशन दैट वी कैन सी दर इज लॉस ऑफ डेंटल इनामल

िन इंटेक वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर लीटर इससे ज्यादा अगर लेवल है वॉटर में तो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकर फ्लूर इफ यू टॉक अबाउट अनदर टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन जो अनदर टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन है वो है स्केलेटल फ्लूरोसिस ओके तो यहां पर इंटेक ज्यादा है ओके सो इफ वॉटर कंटेंट इज थ्री टू सिक्स मिलीग्राम पर लीटर और ये ऐसा वॉटर डेली लिया गया है फॉर प्रोलोंग टाइम ओके देन इट कैन रिजल्ट इन स्केलेटल फ्ल्यूरोसिस इसका इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन क्या है ये कंडीशन में क्या हो जाएगा दर इज डिपोजिशन ऑफ फ्लूराइड इन स्केलेटन ओके तो जो ज्यादा फ्लूरायड है वो डिपॉजिट होने वाला है बोन्स में डिपॉजिट होने वाला है ओके एंड डेफिनेटली इट कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ दर्सन ओके तो अलार्म क्या है हमारे लिए ओके सो ऑल दो जियोग्राफिक एरिया वेर देश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूरीन इट एक्सीड्स टेन मिलीग्राम पर लीटर ओके तो जहां पे दस मिलीग्राम से ज्यादा फ्लूरिन प्रेजेंट है एक लीटर वॉटर में ओके तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग अलार्म अस ओके तो दिस कैन रिजल्ट इन क्रिपलिंग फ्लूरोसिस एंड दिस कैन रिजल्ट इन परमनंट डिसबिलिटी ओके सो इफ यू कैन सी दीज इमेजेस ओके दी यू कैन सी डिसबिलिटी ओके सो दीज चिल्ड्रेन दे आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन तो ये एक कंडीशन है जिसकी वजह से परमनंट डिसएबिलिटी हो सकती है प्रोवाइडेड की फ्लोरिन कंटेंट वॉटर में बहुत ज्यादा है बहुत दिनों तक ऐसा वॉटर लिया गया है ओके तो स्केलेटल फ्लूरोसिस के लिए डेफिनेटली वाटर कंटेंट ऑफ फ्ल्यूरिन वेरी हाई इफ वी कंपेयर दिस विद डेंटल फ्लूरोसिस ओके वन मोर थिंग इज जेन्यू वेलगप तो यहाँ पे फर्स्ट यू प्लीज फोकस ऑन दिस इमेज ओके तो इमेज में वॉट यू कैन सी इज नीज ओके अगर आप नीज देखते हो तो दे आर टच टूगेदर ओके और अगर आप एंकल देखते हो तो दे आर वाइड अपार्ट ओके okay? तर गुडघे जवळ आहेत आणि घोटे पायांचे एकमेकांपासून लांब आहेत ओके सो दिस इज वॉट दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ लुरोसिस ओके अँड इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम तमिळनाडू ओके दिस न्यू फॉर्म इट इज मेनली कॅरेक्टराईजड बाय अ कंडिशन कॉल्ड ॲज जेन्यू वेलगम ओके जो आप इमेज देख रहे हो अँड इट इज कॅरेक्टराईजड बाय वन मोर फीचर दॅट इज ऑस्टिओपोरॉसिस ओके सो मोस्ट कॉमनली लोअर लिम्स आर अफेक्टेड ओके यहाँ पे अभी डाइट का कौन सा फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है सो दिस कंडीशन इट इज मेनली ऑब्जर्व एमोंग दोज पीपल हु आर कंज्यूमिंग जो आर एज स्टेपल फूड और एज प्रिंसिपल फूड ओके okay? तो एक स्टडी किया गया जिसमें दे हैव कंपेयर्ड टू थिंग्स ओके तो डाइट

ओके okay, तो जोवर का रोल क्या है यहाँ पे इट प्रमोट्स रिटेंशन ऑफ इंजेस्टेड फ्लूराइड ओके तो जितना फ्लूराइड बॉडी में जाने वाला है वो रिटेनड होने वाला है जब हमारे डाइट में प्रिंसिपल फूड स्टेपल फूड जोवर है तो ओके सो वन मोर फैक्टर विच इज रिलेटेड विथ जेन्यू वेल्गम इज द कंजम्पशन ऑफ जो अभी हमें ये प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है तो वो डिफरेंट इंटरवेंशंस वी आर सपोज टू अंडरटेक ओके तो हम तीन चीजें कर सकते हैं तो अगर पॉसिबल है तो वी कैन चेंज सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ओके ये पॉसिबल नहीं है तो केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे डीफ्लूरिडेशन ओके okay? या फिर अदर कुछ मेजर्स है वो हम देखेंगे तो अगर हमें वाटर का सोर्स चेंज करना है तो वॉट वी आर सपोज टू डू वॉट वी आर सपोज टू डू वी आर सपोज टू फाइंड द न्यू सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर ओके तो हमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए नया सोर्स ढूंढना है जिसमें फ्लोराइड का कंटेंट रहेगा 0.5 फाइव टू पॉइंट मिलीग्राम पर लीटर दिस इज रेकमेंडेड लेवल ओके सो लेस देन वन है तो ठीक है ओके okay? वो पानी हम पी सकते हैं तो इसमें अगर आप वाटर के सोर्सेज के साथ कंपेयर करते हो तो यू हैव स्टडीड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर ओके सो टू इंपॉर्टेंट हेडिंग्स यू माइट बी नोइंग सरफेस वाटर है या फिर ग्राउंड वाटर है ओके okay? तो ये दो वाटर है जहाँ पे अगर हम फ्लोराइड का कंटेंट कंपेयर करते हैं तो जो कुछ भी सोर्सेस है ग्राउंड वाटर के लिए उसमें फ्लोराइड ज़्यादा होता है ओके okay? जैसे की वेल्स है ट्यूबवेल्स है बोरवेल्स है ओके okay? जिथे जिथे विहिरींचं पाणी आहे बोरवेलचं पाणी आहे ओके okay? तिथे पाण्यामध्ये फ्लुरीनचं प्रमाण जास्त असण्याची पॉसिबिलिटी असते ओके ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू कंपेयर दिस विथ सरफेस वॉटर ओके okay, तो सरफेस वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट कम रहता है लेकिन आपने प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे सरफेस वाटर का बैक्टीरियल कंटामिनेशन ज़्यादा हो सकता है सो दिस कैन बी प्रीफर्ड आफ्टर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दैट इज आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ओके तो एक चीज़ हम कर सकते हैं वाटर का सोर्स हम बदल देंगे ओके okay? सेकेंड अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वॉट वी कैन डू इज डी फ्लूरिडेशन ओके जो केमिकल ट्रीटमेंट है उसका नाम है डी फ्लूरिडेशन ओके तो जहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहीं पे हम डीफ्ल्यूरिडेशन कर सकते हैं लेकिन ये एक्सपेंसिव है ओके okay? तो इसलिए जो ऑल्टरनेटिव टेक्निक है दैट इज़ नालगोंडा टेक्निक ओके ये टेक्निक आई थिंक हमने डिस्कस किया है सो आई विल गो वेरी फास्ट दिस इज़ नालगोडा टेक्निक ऑफ डी फ्लूरिडेशन तो ये टेक्निक किसने रिकमेंड किया है इंडिया का ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ओके सो दिस इज नीरी ओके okay? नीरी जो है नेशनल एनवामेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नागपुर में लोकेटेड है ओके okay? तो ये टेक्निक ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने रेकमेंड किया है जो हम यूज कर सकते हैं ओके okay? तो वॉट इज दिस टेक्निक इसमें हम क्या करने वाले हैं दिस टेक्निक इट रिमूव फ्लूराइड बाय केमिकल ट्रीटमेंट अभी हमें वाटर को केमिकल ट्रीटमेंट देना है जिसकी वजह से क्या होगा फ्लूराइड का जो फ्लूराइड वाटर में है वो हम निकाल देंगे ओके तो अगर आपको याद है तो इसमें हमने दो केमिकल्स के बारे में बात की थी ओके एक हमें ऐड करना है लाइम दूसरा हमें ऐड करना है एलम तो सबसे पहले हम लाइम ऐड करेंगे फिर हम एलम ऐड करेंगे ओके okay? उसके बाद वहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन हो जाएगा ओके okay? उसके बाद हमें वो वाटर सेडिमेंट करना है सेडिमेंटेशन के लिए रखना है कुछ देर और उसके बाद वी आर सपोज गो फॉर फिल्ट्रेशन ओके सो जस्ट दिस फाइव वर्ड्स आर देयर रिगार्डिंग नालगुंडा टेक्निक दैट यू आर सपोज टू नो एक तो कौन से केमिकल्स है लाइम है एलम है और कौन से स्टेप्स है फ्लोकुलेशन है सेडिमेंटेशन है फिल्ट्रेशन है ओके यू कैन सी इन दिस इमेज ओके तो पहले हमें मिक्स करना है पहले लाइम डालना है उसके बाद हमें एलम डालना है ओके नेक्स्ट यू कैन सी फ्लॉक्युलेशन उसके बाद है सेडिमेंटेशन ओके okay, उसके बाद हम फिल्टर करेंगे एंड वी विल गेट क्लीन वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम फ्लूराइड ओके तो फ्लूराइड इसमें से कम हो जाएगा ओके अदर मेजर्स में हमें क्या करना है अदर मेजर्स में इन दोज एरियाज वेयर चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग फ्ल्यूरिडेटेड वाटर ओके तो उन्हें हमें फ्लूराइड सप्लीमेंट्स नहीं देने हैं ओके एंड सेकेंडली हमारा फोकस रहेगा इन दोज एरिया वेयर देर इज एंडेमिक फ्लूरोसिस तो जहां पे फ्लूरोसिस एंडेमिक फॉर्म में है ऐसे जितने भी स्टेट है वहां पे हमें फोकस करना है एंड आवर फोकस इज कंसर्न विद दी यूज ऑफ फ्ल्यूरिडेटेड टूथपेस्ट ओके तो जो फ्लूरिडेटेड टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो हमें बच्चों को रेकमेंड नहीं करने हैं ओके वी आर नॉट सपोज टू रिकमेंड फ्लूरिडेटेड टूथपेस्ट टू दिल्ड्रन अप टू सिक्स ईयर्स ऑफ एज ओके सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओके तो इंटरवेंशंस में हमने देखा कि हम वॉटर का सोर्स चेंज कर सकते हैं हमने सेकेंड इंटरवेशन देखा जिसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट डीफ्लूरिडेशन कर सकते हैं या फिर हमें फोकस करना है रिगार्डिंग यूज ऑफ फ्लूरिडेटेड टूथपेस्ट और फ्लूराइड सप्लीमेंट के बारे में ओके या दिस इज अनदर एलेक्यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज लेक्चर ओके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन सिलेक्टेड डिजीजेस ओके बिफोर स्टार्टिंग विद दिस जो हमने न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे हैं उसमें लैथिरिज्म एक बाकी है तो लैथिरिज्म हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट फूड टॉक्सिकन्ट्स ओके टॉक्सिन रिलेटेड जितने भी फूड के डिजीजेस है दैट टाइम वी विल डि डिस्कस इट ओके और एक अंडर न्यूट्रिशन बाकी है वो हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे ओके सो राइट नाउ वी आर हैविंग लिटिल शिफ्ट ओके टू दी अनदर टॉपिक स ऐसा ही क्वेश्चन सेम पूछा जाता है सेम टाइटल रहता है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन सिलेक्टेड डिजीजेस ओके सो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन दस मार्क के लिए सो ऑलरेडी वट एवर डिफरेंट थिंग्स आर देयर जब हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किया है न्यूट्रियट डिस्कस किए है उसमें हमने ये सब चीजें डिस्कस की है सो so, आज के लेक्चर में सिर्फ कलेक्टिवली वी विल सी ऑल दोज फैक्टर्स ओके तो जिनका मेमोरी अच्छा है जिनके समझ में आया है उनको ये टॉपिक फटाक से समझ में आ जाएगा ओके सो अंडर दिस वॉट वी आर गोइंग टू डू अंडर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी फोर डिफरेंट डिजीजेस ओके वी आर गोइंग टू स्टडी वॉट इज रोल ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिय इन रिलेशन टू कार्डियोवेस्क्यूलर डिजेस

कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनका प्रोटेक्टिव रोल है ओके okay? आपको दोनों भी देखना है हार्मफुल क्या है और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, ओके सो वंस अगेन डोंट फोगेट ऑल दीज फोर डिजीजेस यू आर सपोज टू एक्सप्लेन अंडर दिस हेडिंग ओके तो सीवीडीज के बारे में आपको लिखना है डायबिटीज है ओबेसिटी है एंड कैंसर है ओके okay.

जो भी हमने एब्रीवियशंस देखे थे आपको फुल फॉर्म याद है ओके वी आर टॉकिंग अबाउट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ओके तो एलडीएल का लेवल अगर एलिवेटेड है कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर एलिवेटेड है तो ये रिस्क फैक्टर रहेंगे सैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन अगर ज़्यादा है तो ये रिस्क फैक्टर रहेगा ओके okay? तो प्रोटेक्टिव रोल इसमें किसका आएगा पूफाज का ओके आई होप यू नो फुल फॉर्म ऑफ पोफाज ओके पॉली अन फैटी एसिड्स ओके तो फूफाज का इंटेक ज़्यादा है एचडीएल का लेवल अगर ज्यादा है ओके okay, नॉर्मल है तो डेफिनेटली इनसे हमें प्रोटेक्शन मिलने वाला है ओके तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोलेस्टेरॉल ओके कोलेस्टेरॉल के बारे में पहले बात करेंगे कोलेस्टेरॉल रिगार्डिंग कोलेस्टेरॉल ऑलरेडी वी हैव सेट दैट कोलेस्टेरॉल के लिए दो सोर्सेस है एक है एंडोजिनस हमारी बॉडी कोलेस्टेरॉल सिंथेसाइज करने वाली है दूसरा है एग्जोजीनस ओके एक्जोजिनस में आपको एक ही कीवर्ड याद रखना है एनिमल फूड्स ओके ओनली एनिमल फूड्स आर सोर्सेज फॉर कोलेस्ट्रॉल ओके तो बाहर से भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जा सकता है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तैयार भी हो सकता है ओके okay? तो जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल है दिस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल इट कैन बी वेरियस फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारा का लेवल डिपेंड रहेगा ओके okay? तो वो क्या है तो फर्स्ट थिंग इज कोलेस्ट्रॉल विच इज सिंथेसाइज इन आर बॉडी हमारी बॉडी कितना सिंथेसाइज करती है दूसरा है दफ कोलेस्ट्रॉल विच इज एबॉर्ब फ्रॉम दूड ओके तो फूड से कितना कोलेस्ट्रॉल हम एब्जॉर्ब करते हैं ओके okay? हमारा इंटेक कितना है एबजॉर्ब्शन कितना है थर्ड फैक्टर आएगा कैटाबॉलिज्म okay? कितना कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में कैटाबॉलिज्म होता है एंड द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच इज एक्सक्रीटेड इन दी बाइल ओके तो कितना बाइल में एक्सक्रीट हो जाता है ओके okay? वापस इंटेस्टाइन में जाके कितना री एब्जॉर्बशन होता है बाइल एसिड का ओके सो बाइल एसिड इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ओके okay, तो कितना बइल एसिड रीअब्सॉर्ब किया जाता है ओके okay, और बॉडी में जो इक्विलिब्रियम है ओके okay, प्लाज्मा और टिश्यू में ओके okay, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा रहता है सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर कंसर्न विथ द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आर बॉडी ओके प्लीज परमिट मी टू एंड दिस मीटिंग एंड यू ऑल प्लीज रिजॉइन

ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियोवेस्क्यूलर डिजीजेस राइट सो वैन बी टॉक अबाउट कार्डियोवेस्क्यूलर डिजीजेस वॉट इम्पॉर्टेंट थिंग यू आर सपोज टू नो इज़ विद दी लाइपो प्रोटीन्स ओके तो लाइपोप्रोटीन्स में क्या क्या आता है ऑलरेडी यू नो लाइपोप्रोटीन्स जब हम बोलते हैं तो ये लिप्ड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है ओके सो इट इंक्लूड्स काइलोमाइक्रॉन्स इट इंक्लूड्स एच डी एल दैट इज हाई डेंसिटी लाइप ऑफ प्रोटीन एल डी एल लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन वी एल डी एल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ओके तो इसमें और एक वैल्यू आप लैब रिपोर्ट में देखते हो टोटल सीरम कोलेस्टरॉल ओके तो टोटल सीरम कोलेस्टरॉल जो है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है कहाँ पे प्रेजेंट है ये हमें देखना है सो दिस कोलेस्टरॉल इट इज प्रेजेंट इन एच डी एल इट इज प्रेजेंट इन एल डी एल एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वी ओके तो जो टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल है वी कंसीडर वॉट एवर कोलेस्ट्रॉल विच इज प्रेजेंट इन दिस ओके तो इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 200 से 240 मिलीग्राम पर डेसी है ओके okay? तो आइडियली क्या बोलते हैं टू से कम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए ओके okay? तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है 50 परसेंट जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज प्रेजेंट इन एल डी एल ओके तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में फिफ्टी परसेंट कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है जो वी एल डी एल में है दैट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ ट्राई ग्लिसराइड्स ओके तो वी एल डी एल में कौन से फॉर्म में है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्राई ग्लिसराइड्स नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रोल ऑफ दिस ओके तो प्रोटेक्टिव रोल किसका है ये हमें देखना है हार्मफुल रोल किसका है ये हमें देखना है तो so, एच अगर आपको याद है तो हमने इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोला था ओके तो एच का जो कुछ भी रोल है वो प्रोटेक्टिव रोल है कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस में ओके सो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो कैसे रहता है वॉट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन हाउ दिस प्रोटेक्टिव इफेक्ट इज ब्रॉट आउट इन आवर बॉडी तो ये जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है एच डी एल क्या करता है इट मेनली रिमूव्स द कोलेस्टेरॉल फ्रॉम द सेल्स ओके तो सेल्स से कोलेस्टेरॉल को ये निकालने वाला है कौन से सेल्स दीज आर पर्टिकुलरली स्मूथ मसल सेल्स ऑफ वैस्क्यूलर सिस्टम ओके तो ब्लड वेसल्स में जो सेल्स है वहां से कोलेस्टेरॉल को ये निकालेगा ओके okay? तो अगर कोलेस्टेरॉल वहां से जाता है तो वॉट कैन हैपन इट प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्टरॉल इन ब्लड वेसल ओके तो एच डीएल क्या करने वाला है कोलेस्टरॉल को ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट नहीं होने वाला नहीं होने देगा ओके तो रिमूवल ऑफ कोलेस्टरॉल फ्रॉम द सेल्स ऑफ वैस्क्यूलर सिस्टम ओके एंड दस इट प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्टोरॉल इन ब्लड वेसल्स दैट्स वाई वॉट वी आर सेल इज हैविंग प्रोटेक्टिव इफेक्ट ओके तो एल डीएल के बारे में हम क्या बोलेंगे एक्जैक्टली exactly अपोजिट है तो एल डीएल क्या करेगा कैन एनी वन ऑफ यू टेलमी एल डी एल क्या करेगा एच डीएल के एग्जैक्टली exactly अपोजिट काम है एल डी एल का यस कैन एनी वन ऑफ यू ये सैनिबन हम्म Yes. अभी हम हाँ अभी हमने क्या देखा एच डी एल क्या है ब्लड वेसल्स में सेल्स है बराबर ओके okay. तो वो सेल्स में जो कोलेस्ट्रॉल है एच डीएल वहां से निकालने वाला है तो ब्लड वेसल्स में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा ओके okay. तो एल डी एल क्या करेगा एलडीएल क्या करेगा एग्जैक्टली exactly उल्टा होगा मतलब कोलेस्ट्रॉल कहाँ से कहा जाने वाला है तो तो सेल्स सेल्स में जाएगा जो ब्लड वेसल्स के सेल है वहां पे ज्यादा ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा आर यू गेटिंग इट ओके सो दिस इज़ जस्ट अपन साधी एक कोलेस्ट्रॉल हलचल मनुआया कि कोलेस्ट्रॉल सेल मधे जाता है सेल मधुन बाहर ये ओके तो एच डी एल क्या करने वाला है ओके okay.

रिस्क फैक्टर हुआ हार्मफुल फैक्टर हुआ ओके okay? जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमने वाला है ओके ब्लड वेसल्स में राइट right? तो ब्लड वेसल्स में क्या है जैसे आप ट्रैफिक के साथ कंपेयर करते हो तो वहां पे कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना ब्लड फ्लो के लिए ओके सो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी ऑब्स्ट्रक्टिव फिनमिनल ओके सो दैट्स वाई वॉट वी आर सेल डी एल इट इज अ एलिवेटेड लेवल ऑफ एल डी एल विल बी रिस्क फैक्टर ओके एच डी एल विल हैव प्रोटेक्टिव रोल ओके इन एडिशन फैटी एसिड्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ओके सो फैटी एसिड्स के बारे में हम क्या बोलेंगे फैटी एसिड्स यहाँ पे राइट नाउ यू नो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है या फिर सैचुरेटेड फैट्स है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ओके okay. तो कौन से फैट्स हम ज्यादा लेते हैं तो सी एच डी की पॉसिबिलिटी बढ़ती है इफ एट ऑल यू कैन रिकलेक्ट दीज आर सैचूरेटेड फैट्स ओके सेचूरेटेड फैट्स के क्या सोर्सेस है सब हमने डिस्कस किया है ओके okay? तो जितना ज़्यादा जितना एक्सेसिव कंजम्पन रहेगा सैचूरेटेड फैट्स का दैट विल इनक्रीज रिस्क ऑफ सी एच डी ओके उतनी हमारी रिस्क बढ़ने वाली है ओके okay? यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ओके okay? तो हमने उस टाइम बात की थी रिगार्डिंग दी चैन ऑफ फैटी एसिड्स तो फैटी एसिड्स जो है वो शॉर्ट चैन हो सकते हैं मीडियम चैन हो सकते हैं या फिर लॉन्ग चैन हो सकते हैं ओके okay? तो इसमें हमें सिर्फ क्या देखना है कितने कार्बन एटम्स है ओके okay? तो छे से कम अगर कार्बन एटम्स है तो उसे हम बुलाएंगे शॉर्ट चैन फैटी एसिड्स ओके छ से बारह है सिक्स टू ट्वेल्व है तो ये हो जाएंगे हमारे मीडियम चैन फैटी एसिड्स ओके और लॉन्ग चैन उसे हम बोलते हैं जिसमें ट्वेंटी या उससे फिर ज्यादा रहेंगे ओके सो दिस इज जस्ट एडिशनल थिंग यहाँ पे आपको क्या समझना है कि फैटी एसिड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं और उससे रिलेटेड रिस्क कितना है ओके okay? तो जो कुछ भी फैटी एसिड्स हैं जिनमें ट्वेल्व से कम जिनमें बारह से कम वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन ट्वेल्व ओके 12 से कम कार्बन एटम्स है ओकेस्ट्रॉल लेवल ओके तो कोलेस्ट्रॉल लेवल पे उनका कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है राइट सेकेंडली व्हाट वी कैन से इज स्पेसिफिकली नाउ वी आर पेंग अटेंशन टू दोज फैटी एसिड्स हैविंग 14 कार्बन आइटम्स दो हैविंग 16 कार्बन एटम्स ओके सो फैटी एसिड्स विथ फोर्टीन फैटी एसिड्स विथ सिक्सटीन एंड फोटी फैटी एसिड्स विथ ट्वेल्व ओके तो ये अगर है तो दिज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू तो राइज ऑफ प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारे डाइट में ये ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी है प्लाज्मा का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने वाला है ओके okay, तो इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं ओके सो इट इज़ कंसन विद दी लॉरिक एसिड ओके जो लॉरिक एसिड है इसमें बारह है ओके मेस्टेरिक एसिड है जिसमें फोर्टीन कार्बन एटम्स है और एक अपना पालमिटिक एसिड है जिसमें सिक्सटीन है ओके okay? तो केपार्क ने ये एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं सिर्फ आपको समझना है कि जो कुछ भी फैट्स है जिनमें ट्वेल्व फोर्टीन या सिक्सटीन कार्बन एटम्स हो सकते हैं उनका रोल क्या रहेगा दे कैन इंक्रीज दे कैन इंक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल ओके सेकेंडली वट वी कैन से अबाउट फैटी एसिड्स ओके तो फैटी एसिड्स हमने किसे बोला था जिसमें डबल बॉन्ड है ओके जिसमें डबल बॉन्ड है ओके okay? तो जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो पूफॉल्स है ओके okay? उनका प्रोटेक्टिव रोल है अगर आपको याद है तो वी हैव डिस्कस्ड एरेकेडनिक एसिड वी हैव डिस्कस्ड लिनोलेइक एसिड ओके जिनका हाइपो कोलेस्टेर में इफेक्ट रहता है जो का लेवल कम कर सकते हैं एडिशनल हमने क्या देखा था फैटी एसिड्स विल डू दे इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन ओके दे इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड दस दे प्रिवेंट्स थ्रोम्बस फॉर्मेशन ओके तो पूफास का जो इफेक्ट है वो प्रोटेक्टिव है ओके okay? अगर इसमें आपको एग्जाम्पल्स देने हैं तो आप जितने भी पूफाज या फिर इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं ओके जैसे कि अल्फ़ा लिनोलेनिक है प्लस एकोसापेंटानोइक है प्लस डोकोसा हेगेनोइक है ओके ये सब है जिनका प्रोटेक्टिव रोल है ओके अभी वन मोर एडिशन वी विल डू हियर ओके तो हमने एरेकेडनिक एसिड के बारे में बात की है ओके okay? तो अरेकेडनिक एसिड कैसे प्रोटेक्शन देता है ये हमें अभी यहाँ पे समझना है ओके okay? तो अरेकेडनिक पूफा है ये आपको पता है ओके okay? यहाँ पे जबी भी अरेकेडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट है ओके okay? तो ये जो मेटाबोलाइट है दिस इज प्रोस्टासाइक्लिन ओके दिस इज प्रोस्टासाइक्लिन जो प्रोटेक्टिव है ओके okay? प्रोस्टासाइक्लिन This is of acid. Okay? तो, acid, जब दो प्रोडक्ट है एक है प्रोस्टासाइक्लिन तो प्रोस्टासाइक्लिन क्या काम करता है प्रोस्टासाइक्लिन इट इनिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन तो ये क्या करेगा जो हमने पहले बात की थी इट विल इनिबिट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट and it prevents formation of thrombus, okay? तो intravascular जो thrombus formation होता है, वो prevent करने वाला है, okay? दूसरा जो metabolite है, वो है thromboxen, okay? वो है, this is thromboxen. इसका काम क्या है? इसका opposite काम है, okay? तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं तो थ्रम्बोक्सिन क्या करेगा इट इंड प्लेटलेट एग्रीगेशन ओके इट इंड्यूसेस प्लेटलेट एग्रीगेशन अभी थ्रम्बोक्सिन के एक्शन को भी प्रोस्टासाइक्लिन ब्लॉक करेगा कैसे करेगा प्रोस्टासाइक्लिन इट कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ करोनरी वेसल ओके एंड इट कॉजेस अपोजिशन टू द एक्शन ऑफ थ्रम्बोक्सिन ओके तो इतना अगर याद नहीं रहता है तो एटलीस्ट यू शुड नॉट फोगेट दरेकेडनिक एसिड सिंपली यू कैन से अरेकेडनिक एसिड इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल दिस इज प्रोटेक्टिव फैक्टर दिस इज प्रोटेक्टिव फैक्टर ओके एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एम आई ऑडिबल ओके 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 थैंक यू थैंक यू सो हियर अरेकेटॉनिक ॲसिडबद्दल एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की थ्रॉम्बस फॉर्मेशनच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्टिव्ह इफेक्ट आहे आणि तो प्रोटेक्टिव्ह इफेक्ट कसा मिळतो अरेकेटॉनिक ॲसिड काय करणार आहे इट विल प्रिव्हेंट प्लेटलेट ॲग्रिगेशन ओके ते कसं होतं दॅट वी हॅव सीन इफ एट ऑल यू कॅन रिकॉल प्रोस्टासायक्लिन अँड थ्रम्बॉक्झिन यू कॅन मेन्शन अबाउट दीज थिंग्स वेल अँड गुड ओके न अनदर इम्पॉर्टंट थिंग हमें यहां पे अभी फोकस करना आहे हमारे डायट के ऊपर ओके सो डाइट को कंट्रोल करना है विद दी हेल्प ऑफ डायटरी कंट्रोल वी कैन पे अटेंशन टू सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल ओके तो उसके लिए हमें क्या करना है एनिमल फैट्स का कंजम्पशन हमें कम करना है सेचुरेटेड फैट्स का कंज़म्पशन हमें कम करना है ओके और फूफाज का कंज़म्पशन हमें बढ़ाना है ओके सो वी कैन पे अटेंशन टू बोथ थिंग्स वन मोर फैक्टर इज दर विच इज कंसर्न विद दी ट्राइग्लिसराइड्स, ओके okay? तो इसमें हमें ट्राइग्लिसराइड के बारे में अभी समझना है तो ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं मेनली हमने देखा वी एल डी एल ओके वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट है जब भी हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा रहेगा सी एच डी का रिस्क बढ़ेगा ओके okay? तो ट्राईग्लिसराइड का लेवल ज्यादा है तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इनडिपेंडेंट सिर्फ ट्राइग्लिसराइड लेवल बड़ा है तो भी इट इज रिस्क फैक्टर ऑफ सी एच डी ओके तो सी एच डी का एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है तो अगर आपको ट्राइग्लिसराइड्स को समझना है तो यू आर सपोज टू नो अबाउट दिस एंजाइम ओके सो हियर यू कैन सी नेम ऑफ एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज ओके तो ये जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है ये कहाँ पे है ये भी कैपिलरीज में प्रेजेंट है ओके okay? कैपिलरीज में जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वहां पे ये प्रेजेंट है ओके okay? तो ये एंजाइम क्या करता है वॉट इज रोल ऑफ दिस एंजाइम ओके सो दिस एंजाइम इट रिमूव ट्राइग्लिसराइड। ये क्या करेगा ट्राइग्लिसराइड को निकालेगा कहां से निकालेगा ट्राइग्लिसराइड्स किस में है वीएलडीएल में है राइट right? तो VLDL से ट्राइग्लिसराइड को निकालेगा एंड इट कन्वर्ट इट इन टू एच डी एल ओके आपको समझ में आ रहा है वॉट आई एम से वेरी लो डेंसिटी लाइपो है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स है ओके सो वॉट दिस एंजाइम विल डू दिस एंजाइम इट रिमूव्स ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम वी एल डी एल एंड इट कन्वर्ट इट टू एच डी एल ओके हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो प्रोटेक्टिव रोल जो प्रोटेक्टिव काम कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेस अगर अच्छे से काम कर रहा है हमारी बॉडी में तो इसका रोल प्रोटेक्टिव है ओके इसका रोल प्रोटेक्टिव है अभी देर आर टू पॉसिबिलिटीज एक तो ये एंजाइम डेफिशियंट है या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसकी एक्टिविटी कम हो गई है तो इट कैन इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल

दी रोल ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज ओके तो ये एंजाइम को हम प्रोटेक्टिव बोल रहे हैं ओके okay? लेकिन अगर ये एंजाइम डेफिशियंट है ये एंजाइम की एक्टिविटी बॉडी में ठीक से नहीं हो रही है तो क्या होगा ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा और सी एच की रिस्क बढ़ेगी ओके लेट्स टॉक अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में प्रोटेक्टिव रोल किसका आएगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ओके जब भी हम हमारे डायट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो इट विल रिड्यूस रिस्क ऑफ सी एच डी ओके और जब भी हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइबर ओके डायटरी फाइबर्स हम कितने ले रहे हैं okay? ओके तो डायटरी फाइबर का इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए ओके okay? तो यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटीज है इफ वी आर कंज्यूमिंग द फाइब्रस डाइट द रिस्क ऑफ सी एच डी इज लोअर्ड ओके okay, तो रिस्क कम हो जाएगा लेकिन हमारा लो फाइबरस डाइट है ओके okay, तो इन दैट केस अपोजिट सिचुएशन कैन हैपन ओके तो यहाँ पे रिस्क बढ़ सकता है ओके okay, तो कितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कितने डायटरी फाइबर्स हम डाइट में ले रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग ओके वॉट इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्ट एंड सी एच डी ओके तो सॉल्ट अगर देखते हैं तो If we are having high intake of salt or high intake of sodium, ओके okay, तो हमारे डाइट में सोडियम ज्यादा है सोडियम माइक्रोन्यूट्रिय ज्यादा है या फिर सॉल्ट दट इज सोडियम क्लोराइड ज्यादा है ओके टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर तो सॉल्ट इंटेक ज्यादा है सोडियम इंटेक भी ज्यादा है तो ये दोनों भी चीजें हैं तो दिस इज मेनली कंसर्न विथ हाइपरटेंशन दिस इज मेनली कंसर्न विथ हाइपरटेंशन एंड यू हॅव्ह स्टडी हायपर टेन्शन इट्स सेल्फ आहे सीएचडी साथ? ज्यांना हायपर टेन्शन आहे त्यांना ची पॉसिबिलिटी आहे का येस ऑर नो येस ऑर नो ऐकतायत का सगळे It okay. हाइपरटेंशन इट से जिसकी वजह से सी एच डी हो सकता है ओके okay. तो जो लोग है जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनको पॉसिबिलिटी है सीएचडी और डायट से उसका क्या रिलेशन है डायट में जिनके डायट में सोडियम क्लोराइड ज्यादा है या फिर सोडियम का इंटेक ज्यादा है ओके okay. तो स्टडी किया गया था जिससे ये प्रूव हो चुका है ओके okay? तो नॉर्थ जापान के लोग ज़्यादा सोडियम लेते हैं तो उनमें हाइपरटेंशन का इंसिडेंस ज़्यादा था ओके एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्टली हाइपरटेंशन ज़्यादा है हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर है सी के लिए ओके नेक्स्ट डिजीज़ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड अबाउट डायबिटीज एंड वेरियस न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ओके तो डायबिटीज में क्या हो जाता है आपको सब पता है सिंस यू हैव कंप्लीटेड डायबिटीज ओके तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इज मेनली अफेक्टेड ओके कहाँ पे फॉल्ट है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ओके okay? तो वन ऑफ द कॉज क्या है डेफिशियंसी ऑफ इंसुलिन ओके तो ये जो इंसुलिन हॉर्मोन है वो कम है ओके okay? इसका क्लिनिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको मिलता है हाइपर ग्लाइसेमिया है ब्लड शुगर बढ़ जाएगा या फिर ग्लाइकोस यूरिया है यूरिन में शुगर आ जाएगा ओके okay, तो बेसिकली इंसुलिन का रोल क्या है इंसुलिन का फंक्शन क्या है ओके ब्लड का लेवल ग्लूकोज का ब्लड लेवल बढ़ता है बिकॉज इंसुलिन इज द इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज ओके तो बॉडी को अगर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करना है तो हमारे बॉडी में इंसुलिन का फंक्शन अच्छा होना चाहिए ओके okay?

टाइप वन डायबिटीज ओके तो जहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी है उनमें आपको वेट लॉस उनमें आपको मसल वेस्टिंग दिखाई देगा ओके सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जब भी दर इज डेफिशिय ऑफ इंसुलिन इंसुलिन बॉडी में कम है तो वन मोर चेंज ऑकर्स तो इसमें क्या हो जाता है वट एवर एक्सेस फैटी एसिड्स आर देयर दे गेट कन्वर्टेड इन टू ट्राइग्लेसराइड्स ओके तो दिस इज वन मोर थिंग अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होता है इंसुलिन की डेफिशियन्सी है बॉडी को एनर्जी चाहिए बॉडी विल टेक दिस एनर्जी फ्रॉम फैट ओके सो लीवर में क्या होगा फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होगा तो बॉडी फैट्स यूज करने वाली है एनर्जी के लिए लीवर में फैटी एसिड्स का यूज किया तो

इज़ दर एनी पर्टिकुलर न्यूट्रियट फैक्टर विच इज डायबेटोजेनिक ओके न्यूट्रिशन में ऐसा कौन सा फैक्टर है क्या जो डायबेटोजेनिक है तो अभी तक ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है ओके सो टू दैट पर्टिकुलर फैक्टर वी कैन से दिस इज डायबेटोजेनिक ओके बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज ऑब्जर्वड इज डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन तो एक जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि जो बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ओके सो प्रोटीन डेफिशिएंसी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन पैथोजेनेसिस ऑफ इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिस ओके तो डायबिटिस के पैथोजेनेसिस में इसका रोल आ जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट यू माइट हैव स्टडीड दिस टाइप इन डायबिटीज एम आर डी एम ओके एम आर डी एम इट स्टैंड्स फॉर माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटिस मलाइटिस ओके तो प्रोटीन की डेफिशियंसी है एम आर डी एम से रिलेटेड ओके okay? और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स है जिनकी डेफिशियंसी अगर है जैसे कि कॉपर की डेफिशियसी है जिंक की है क्रोमियम की है तो इनका भी रोल है विच इज कंसर्न विद द पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिस ओके बट इनका जो रोल जो रोल है वी डोंट हैव एविडेंस ओके तो पॉसिबिलिटी है दीज डेफिशियंसिज आर प्लेइंग रोल इन पैथोजेनिसेस ऑफ डायबिटीज़, लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अल्कोहल कंजम्पशन ओके तो अगर हम ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं एक्सेस कंजम्पशन है तो इट कैन इनक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑकरेंस ऑफ डायबिटीज एंड एक्सेस कंजम्पन ऑफ एल्कोहॉल ये कैसे हो सकता है ज्यादा एल्कोहल लिया इट कैन कॉज डैमेज टू पैंक्रियास इट कैन कॉज डैमेज टू लीवर और एक हो सकता है एल्कोहल एनर्जी रिच है आपको पता है ओके okay? एल्कोहल से हमें एनर्जी मिलने वाली है तो इट कैन प्रमोट ओबेसिटी ओके एंड ऑल दीज थिंग्स आर अगेन फॉर्दर एसोसिएटेड विथ डायबिटीज ओके तो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ओके विच इज कंसर्न विथ डायबिटीज इज एक्सेस कंजम्पन ऑफ एल्कोहल इफ वी टॉक अबाउट ओबेसिटी तो ओबेसिटी क्या है ओबेसिटी में क्या होता है देर इज एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट और देर इज एक्सेस एडिपोज टिश्यूज ओके तो बहुत सारा फैट बॉडी में स्टोर है ओके okay? ये जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है ये रीचर कंट्रीज में तो है ही है इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर भी है लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया जैसे वहां पे भी ये हेल्थ प्रॉब्लम है ओके okay? ये क्यों होता है दिस इज कंसर्न विथ ओवर न्यूट्रिशन ओबेसिटी इट इज कंसर्न विथ ओवर न्यूट्रिशन ओके वेन एवर वी कंज्यूम एक्सेस कैलरीज ओके जब भी हम एक्सेस कैलरीज लेने वाले हैं हमने देखा था पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस अगर आपको याद है तो ओके okay? तो एक्सेस कैलरीज है तो ज्यादा ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन होगा एडिपोज टिश्यू में एंड दट इज वॉट वी कॉल एज ओबेसिटी ओके अगर ओबेस लोग हैं तो उनमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंसुलिन रेजिस्टेंस ओके तो ये लोगों में क्या दिखाई देगा हमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस है मतलब इनकी बॉडी में इंसुलिन का मैन्युफैक्चरिंग सिंथेसिस अच्छे से हो रहा है लेकिन बॉडी और द पेरिफेरल टिश्यूज दे आर शोइंग रेजिस्टेंस ओके तो इसकी वजह से क्या होगा इंसुलिन है लेकिन बॉडी यूज नहीं कर रही है तो इंसुलिन का लेवल ये लोगों में क्या रहेगा ज्यादा रहेगा ओके सो इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइपर इंसुलिनिज्म ओके ये क्यों होता है बेसिकली एक तो जो एफिनिटी है इंसुलिन का रिसेप्टर के साथ वो कम हो जाता है या फिर जो रिसेप्टर्स है उनका नंबर भी कम हो जाता है ओबेज ओबेज लोगों में ओके सो वन मोर ऑब्जर्वेशन इज देयर व्हिच इज कंसर्न विथ दिस की सीवियर ओबेसिटी अगर किसी को सीवियर ओबेसिटी है तो प्री मैच्योर डेथ हो सकती है ओके okay? कोई डायबिटिक का पेशेंट है कोई हाइपरटेंसिव है किसी को सीएचडी है ओके okay? तो उनका लाइफ स्पैन कम होगा उनकी डेथ अर्लियर हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी ओके तो ओबेसिटी के बारे में न्यूट्रिएंट रिलेटेड टू थिंग्स है फैट को हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कैलोरीज हम कितना ज्यादा ले रहे हैं ओके सो कैंसर वन मोर लास्ट थिंग टू फिनिश मैडम लेक्चर चेक्चर चिंक है यस डू यू हैव लिंक ऑफ मैडम्स लेक्चर ओके सो आई विल जस्ट टेक फाइव मोर मिनट्स टू फिनिश दिस ओके नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कैंसर कैंसर को हमें समझना है ओके डायटरी फैक्टर्स न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और कैंसर ओके okay? तो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाई इंटेक ऑफ फैट्स ओके हमारी डाइट में फैट का इंटेक अगर ज्यादा है तो हमारे पास एविडेंस है इट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर एंड इट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ओके तो कोलोन कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है ओके okay? तो जब भी हम ज्यादा फैट लेते हैं तो वॉट हैपन्स इट इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ बाइल एसिड ओके तो बाइल एसिड बढ़ने वाला है तो बॉबल में क्या होगा दीज बाइल एसिड्स दे गेट्स मेटाबलाइज ओके तो बॉबल में जो बैक्टेरियल फ्लोरा है इट विल एक्ट ऑन बाइल एसिड्स ओके एंड दीज बाइल एसिड्स दे आर कन्वर्टेड इन टू कार्सिनोजेंस और कोकार्सिनोजेंस ओके okay? तो ऐसा कन्वर्जन होता है लेकिन फीसिस का एग्जामिनेशन किया तो उसमें कोई भी कार्सिनोजन अभी मिला नहीं है ओके सो दिस इज अंडर रिसर्च दैट्स वॉट वी कैन से ओके सेकेंड रोल इज ऑफ डायटरी फाइबर्स ओके तो डायटरी फाइबर्स कैंसर के बारे में डायटरी फाइबर्स का जो रोल है वो प्रोटेक्टिव है ओके okay, तो डायटरी फाइबर्स विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोलॉन कैंसर ओके एंड देर आर सेवरल स्टडीज विच आर शोइंग दैट डायटरी फाइबर्स दे आर हैविंग प्रोटेक्टिव रोल इन कैंसर ओके माइक्रोन्यूट्रिय विटामिन ए के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है एंटी कार्सिनोजन हमने बोला था ओके इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लंग कैंसर ओके विटामिन सी इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टमक कैंसर ओके तो ये कैसे रोल है विटामिन सी का रोल क्या है यहाँ पे विटामिन सी इट इन्हिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोज अमाइंस ओके स्टमक में नाइट्रोज अमाइंस जो तैयार हो सकते हैं ओके okay? जो कार्सिनोजेनिक है नाइट्रोज अमाइंस को विटामिन सी फॉर्म नहीं होने देगा ओके रिगार्डिंग सेलेनियम सेलेनियम इट इज इम्प्लीकेटेड इन एटीओलॉजी ऑफ कैंसर ओके तो सेलेनियम रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं हम प्रोटेक्टिव में हमने बोला विटामिन ए प्रोटेक्टिव है विटामिन सी प्रोटेक्टिव है ओके okay? फूड एडिटिव्स और फूड कंटामिनेंट्स ये क्या होता है तो जब भी हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं ओके जैसे कि ब्रेड है जैम्स है जलीज है बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में मिलती है उनमें क्या किया जाता है उनमें नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं ओके तो अभी हमें क्या करना है मार्केटिंग करना है तो जो कुछ भी सेल के लिए रखना है उसका अपियरेंस अट्रैक्टिव होना चाहिए ओके तो ये चीज़ें इट शुड बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ओके तो उसकी वजह से वॉट दे आर डूइंग कि उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं टेस्ट बढ़ाना है तो स्वीटनर्स डालते हैं ओके okay? और फिर बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि आर्टिफिशियल कलर्स है ओके ऑल दीज थिंग्स आर फूड एडिटिव वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड एडिटिव्स इन अपकमिंग लेक्चर ओके सो राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फूड एडिटिव्स हो सकते हैं फूड कंटामिनेंट्स हो सकते हैं एंड दे कैन हैव कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इफ दे आर कंज्यूम्ड फॉर प्रोलोंग पीरियड तो सिंपली वर्ड वी कैन से प्रोसेस्ड फूड अगर हम ज्यादा लेते हैं जिसमें फूड एडिटिव है ओके प्रोलोंग टाइम तक कंजम्शन है तो इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू कैंसर ओके सेकेरिन एक है जो यूज किया जाता है जो स्पेसिफिकली ब्लैडर कार्सिनोजेन है ओके तो सेकैरिन है विच इज ब्लैडर कार्सिनोजेन ओके एल्कोहल एल्कोहल कंजम्शन एंड कैंसर हैवी ड्रिंकिंग है एल्कोहल का तो लीवर कैंसर की पॉसिबिलिटी है ओके okay? और अभी एक एसोसिएशन देखा गया है ओके okay? तो जितने भी डेथ्स होते हैं कैंसर के थ्री परसेंट डेथ्स दे आर कंसर्ड विद द कंजशन ऑफ एल्कोहल ओके तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंसर्ट विद दैंसर Okay, so just permit me to end this meeting. Thank you. Thank you.